दोस्तों आज के टाइम में डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये मतलब सबके पास है, क्योंकि सबके पास बैंक आ चुका है। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और उस पर अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, कैसे ये आपके लिए एक फायदा है, कैसे ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। अब देखिए, आपके पास बैंक अकाउंट है तो भाई आप यहाँ पे यूज़ करते होंगे डेबिट कार्ड, फिर आप लेते होंगे काम में क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये जो सिंबल है ये अभी हाल ही में देखने को मिलता है। मतलब कि पहले के जो कार्ड थे, वीज़ा के ले लो, मास्टर के ले लो, रुपए के ले लो, इन पे ये सिंबल देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब जो कार्ड आ रहे हैं एडवांस जनरेशन में, उसमें ये सिंबल देखने को मिलता है। तो बेसिकली बात करें सिंबल की दोस्तों, तो इसको यहाँ पे बोला जाता है वाईफाई कार्ड। मतलब वाईफाई ना ऐसे वर्ड आते हैं कि आपको लगता होगा कि यार कुछ यहाँ पे वायरलेस होने वाला है, मतलब बिना टच के, बिना छुआ छूत के कुछ यहाँ पे काम होने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये है वाईफाई कार्ड और इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि यार ये है एक वाईफाई कार्ड, तो ये काम कैसे करता है वायरलेस टेक्नोलॉजी पे। मतलब कि जहाँ पे पहले आप पेमेंट करते थे तो वहाँ पे आप क्या करते थे, कार्ड को टच करते थे पॉस पे, मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स पे, वहाँ पे अपने कार्ड को पंचिंग करते थे या फिर आप स्वाइप करते थे, फिर वहाँ पे अपना पिन डालते थे, फिर आपको ओटीपी आता था। मतलब इतनी सारी काम करने के बाद यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन होता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे आ गए हैं वाईफाई कार्ड। बेसिकली ये इस पर्पज के लिए बनाया गया है कि जहाँ पे आपको शॉपिंग करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, जहाँ पे आप झट सामान खरीदो और खट पेमेंट करो और बस निकल लो अपनी डेस्टिनेशन पे अपने घर के लिए, तो वहां पे ये वाईफाई कार्ड काम में लिए जाते हैं। अब देखिए, वाईफाई कार्ड का सिंबल ऐसा होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये काम कैसे करते हैं तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये काम करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी पे। मतलब कि ये एक NFC इनेबल्ड कार्ड होते हैं। इनके अंदर NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, जो कि काम करती है 4 सेंटीमीटर या फिर उससे कम के डिस्टेंस पे। अब 4 सेंटीमीटर मतलब हो गई लगभग मेरी इतनी सी उंगली, ऐसे देख लो आप, इतनी उंगली हो गई 4 सेंटीमीटर, मतलब इतने डिस्टेंस पे अगर वो कार्ड पॉइंट ऑफ सेल्स वाली मशीन के पास जाता है तो वहां पे आपके कार्ड से पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो सकता है। अब चीज काफी अच्छी है क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है, इससे आपका झंझट बचता है। और यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें आती हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे आप कार्ड किसी को देते हो स्वाइप करने के लिए, उसके बाद आप सामान लेते हो भैया, और सामान लेके आप जल्दी में हो तो आप निकल लेते हो घर के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो गुम हो जाता है, वो वहाँ छूट जाता है। अब यहाँ पे बहुत दिनों बाद जब आपको याद आता है कि यार कार्ड मैंने स्वाइप किया था, कहाँ था कहाँ नहीं था, मतलब यहाँ पे आपका कार्ड जो है बहुत सारे केसेस में मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम है स्पैमिंग का। मतलब कि जब भी आप कार्ड किसी को देते हो तो भैया वो आपके कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, और यहाँ पे क्लोनिंग करने के बाद बाद में वो आपके इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है आपके कार्ड से पैसा बाहर निकालने के लिए। मतलब इस तरीके से इंडिया में आए दिन बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्ड स्पैमिंग या फिर कार्ड स्कीमिंग, जहाँ पे आपके कार्ड को क्लोन कर लिया जाता है। लेकिन इस वाईफाई कार्ड के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको कार्ड किसी को हैंड ओवर करना ही नहीं है। मतलब कि आपका ATM डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में रहने वाला है, तो भैया आपने सामान खरीदा वहां पे, बस आपको अपना कार्ड निकालना है, उसको टच करना है और वहां पे पेमेंट हो जाएगी, कार्ड आपके पास रहेगा, आपको किसी को देना नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे कार्ड की क्लोनिंग करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब ये तो फायदे तो हैं यहाँ पे। इसके साथ बात करें यहाँ पे लिमिट की, तो देखो यहाँ पे वाईफाई कार्ड के अंदर 2000 की लिमिट होती है। मतलब एक बार में अगर आप अपने कार्ड को टैप करोगे मशीन पे तो वहां पे मैक्सिमम 2000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो। 2000 के ऊपर है तो आपको यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका कार्ड किसी और के हाथ लग जाए। वहां पे अगर आपका कार्ड किसी और के हाथ में लग जाता है तो उसके पास पूरी फ्रीडम है कि 2000 रुपए तक का वो ट्रांजेक्शन कर सकता है आपके बैंक से। करना क्या है, वो कहीं भी जाएगा, वहां पे आपके कार्ड को मशीन के ऊपर जैसे वेव करेगा और यहाँ पे आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका कार्ड आपके अलावा किसी और के पास है तो वो भैया बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे आती है कि आपके बिना परमिशन के आपके कार्ड से पैसे गायब हो जाए, फिर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो वगैरह में जहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे जो डिस्टेंस का बैरियर है वो है भैया 4 सेंटीमीटर का। मतलब अगर आप मेट्रो के अंदर हो और मेट्रो के अंदर भीड़ बहुत है तो यहाँ पे कोई बंदा आपके पास आ सकता है अपनी मशीन को लेके, और वो आपसे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके वहां पे आपके साथ चिपकेगा और यहाँ पे चिपक के आपके जो पैसे हैं वो लेके उड़ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे। तो देखिए, ये वाईफाई कार्ड मतलब देखिए एक तरफ तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम सेव होता है, ज्यादा झंझट नहीं है, आपका कार्ड की जो डिटेल्स है वो आपके पास रहती है, सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां नहीं जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये किसी के हाथ लग गया तो गलत, अगर कोई आपके पास चिपक के निकल गया तो गलत,
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके पास वाईफाई कार्ड है तो मेक श्योर कि आप इस कार्ड को बिल्कुल अच्छे से यूज करें और कोशिश करें कि ऐसे वाईफाई कार्ड आप हमेशा लेके मत घूमें साथ में, क्या पता कहीं कोई चिपक के आपके पैसा ले जाए यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे इस वीडियो को आप करते हैं खत्म। चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो अब कर दो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कि अगर उनके पास भी वाईफाई कार्ड है तो भैया ऐसे फ्रॉड से वो बचते रहें। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।